जय माता दी। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में, हम है उस माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। आइए अब हम सब मिलकर माता के नौ रूपों के दर्शन करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जय माता दी। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर पैदा हुई थी। इनका वाहन बैल है। यह धन धान्य ऐश्वर्य और मोक्ष देने वाली माता मानी जाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जी माता दी, माँ का दूसरा स्वरूप ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी पूजा से त्याग त्याग में वृद्धि होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जय माता दी, माँ का तीसरा स्वरूप शांति देने वाला और कल्याणकारी है। उनके माथे पर चंद्रमा सजा हुआ है। उनकी पूजा करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जय माता दी, माँ को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। जय माता दी, नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है माना जाता है। इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। जय माता दी, माँ की वासना आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म काम मोक्ष चार फलों की प्राप्ति होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जय माता जी, माँ सदैव अपने भक्तों को सुख फल प्रदान करती हैं। माँ के भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। जय माता जी, माँ कृपा से सब पाप धुल जाते हैं। माँ का आभूषण और वस्त्र सफेद है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये माता जी, माँ की पूजा करने से सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जय माता की। तो अभी हम सब ने देखा नवरात्रों में दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। माँ पालनहार है, शक्ति स्वरूपा है, हर जीव की जीवन दायिनी है। माँ नारी को हर रूप में जीना सिखाने आती है। वास्तव में नारी सृष्टि की अनुपम कृति है, देश की रीढ़ है नारी। नारी एक ही है पर उसके रूप अनेक हैं। अब हमें केजी क्लास की ईरा नारी का महत्व बताएं। नारी महान है। हमारे समाज में नारी का बहुत महत्व है। नारी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। नारी हमारे देश का गर्व है। आज की नारी बदल गई है। आज
आज की नारी बहुत निकल गई है। आधुनिकता के नाम पर नारी को दूषित करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः नारी को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। A time for celebration, a time for victory of good over bad, a time when the world see the example of power of good. Let us continue the same true spirit. Now, let's see the mesmerizing performance by our little shining star. यही तो है दशहरे का त्योहार। मुबारक हो आपको विजयदशमी का ये त्योहार।